हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन फायर रेड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 12 में। तो लास्ट एपिसोड का रिकैप दे देता हूँ तुम्हें। तो लास्ट एपिसोड में मैंने तुम्हें बोला था कि मैं अभी मिस्टी को नहीं हरा सकता, चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पोकेमोन्स के लेवल बहुत ही कम है। पिकाचू का लेवल देखो तुम 16 है एंड पिची का 13 एंड 4 मिलियन का 20 है, लेकिन फिर भी ये हरा नहीं सकता क्योंकि 4 मिलियन एक फायर टाइप पोकेमोन है एंड मिस्टी है एक वाटर टाइप पोकेमोन। तो मिस्टी मेरे पास डिसएडवांटेज है 4 मिलियन के लिए, इसीलिए मैं नहीं चैलेंज करने वाला अभी मिस्टी को। लास्ट एपिसोड में तुम्हें बोला था मैंने ये सेम बात एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा बहुत ट्रेन करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं करने लगा पूरा सिरुलिन सिटी को एक्सप्लोर एंड मैंने लास्ट एपिसोड में पूरा सिरुलिन सिटी को एक्सप्लोर कर ही लिया था। उसके बाद मुझे एक्सप्लोर करते करते पता चला बिल के बारे में, जो कि एक वर्ल्ड फेमस पोकेमोनिक है। तो उससे मैं मिलने वाला हूँ एंड उससे मैं मिलने गया था, ब्रिज से जा रहा था मैं एंड मुझे ग्यारी मिला था ब्रो, अपना राइवल, अगर तुम्हें याद हो तो। भाई उसे कौन भूल सकता है। तो उसने बताया कि वो बिल से मिला एंड मैंने भी सोचा, डिसाइड किया कि चलो भाई बिल से मिलते हैं। तो इस एपिसोड में हम जाएंगे बिल के पास, तो चलो चलते हैं। मुझे शायद इस ब्रिज से होते हुए जाना होगा। ओके, तो लास्ट एपिसोड में मैंने पूरा ही सिरुलिन सिटी को एक्सप्लोर कर लिया था। इधर सिटी में जो जो घर है इन सारे को, इस घर में नहीं जा पाया क्योंकि इधर एक ऑफिसर खड़ा था एंड ये बोल रहा था कि इस घर को टीम रॉकेट ने रॉबरी किया है, लूटा है। तो चलो भाई बिल से मिलने चलते हैं, इस ब्रिज से होते हुए हमें जाना होगा Route 24। तो इस Route 24 है ये, पीपल कॉल दिस द नगेट ब्रिज। तो लोग इस ब्रिज को नगेट ब्रिज बोलते हैं, पता नहीं क्यों। बीट अस 5 ट्रेनर एंड विन ए फेबुलस प्राइज। तो मुझे इनके 5 ट्रेनर को हराना होगा और उसके बाद मुझे एक फेबुलस प्राइज मिलेगा। थिंक यू गॉट व्हाट इट टेक्स। तो चलो भाई हराते हैं इन 5 ट्रेनर को एंड प्राइज लेते हैं। तो ये है एक बग कैचर कैल, जिसके पास 4 पोकेमोन है। फर्स्ट है कैटेपी, जिसका लेवल है 10। पिकाचू इसे आराम से हरा सकता है। शायद मेरे पिकाचू को 2 थंडर शॉक यूज़ करना पड़ेगा कैटेपी के ऊपर, या फिर एक क्विक अटैक से भी काम हो सकता है। तो चलो यूज़ करते हैं एंड इस कैटेपी को फेंटेड करते हैं ब्रो। तो कैटेपी हो चुका है फेंटेड ब्रो। एक्सपीरियंस देखना, मुझे एक्सपीरियंस कितना मिलेगा, 112। ठीक है, नेक्स्ट पोकेमोन है वीडल। ओके, तो वीडल को भी अपना पिकाचू आराम से हरा सकता है, इसका भी लेवल ज़्यादा नहीं है। तो मैंने क्विक अटैक यूज़ किया, भाई क्विक अटैक भी अच्छा डैमेज दे रहा है। तो वीडल ने यूज़ किया पॉइजन स्टिंग। ठीक है, एक और क्विक अटैक यूज़ करते हैं एंड वीडल को भी फेंटेड करते हैं ब्रो। तो वीडल भी हो चुका है फेंटेड, एक्सपीरियंस मिला 111 एंड केल का नेक्स्ट पोकेमोन होगा मेटापॉड, कैटेपी का इवॉल्व फॉर्म। ओके, तो मैंने एक मेटापॉड शायद पकड़ा था ब्रिडियन फॉरेस्ट में। तो थंडर शॉक यूज़ करते हैं ब्रो मेटापॉड के ऊपर, क्योंकि मेटापॉड के ऊपर अगर क्विक अटैक यूज़ करूँगा तो ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, क्योंकि मेटापॉड का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक और थंडर शॉक यूज़ करते हैं एंड इस 10 लेवल के मेटापॉड को भी फेंटेड करते हैं। तो ये भी हो चुका है फेंटेड एंड नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं। ओके ब्रो, पिकाचू ग्रूट लेवल 17, अपना पिकाचू 17 का हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पोकेमोन है ककूना, वीडल का इवॉल्व फॉर्म ककूना, इसका भी लेवल 10 ही है। इसका इस स्केल के पास जो पोकेमोन है सबके लेवल सेम ही है। तो थंडर शॉक इसके ऊपर भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी डिफेंस अच्छा है एंड ये अपना डिफेंस बढ़ा रहा है हार्ड एंड अटैक से। तो एक और थंडर शॉक। ओके, तो ब्रो ककूना भी हो चुका है फेंटेड, एक्सपीरियंस मिला 150 ऑन। तो केल को तो हमने डिफीट कर दिया, 1 ट्रेनर डाउन और 4 ट्रेनर बचा है। ओ गुड स्टफ भाई, इसको हराने के बाद गुड स्टफ क्यों बोला इसने। आई डिड माई बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट। भाई रिग्रेट मत कर लाइफ में, कभी भी रिग्रेट मत करना, जैसा है वही रहे। ओके, आई एम सेकेंड नाउ इट्स सीरियस। भाई ये सेकेंड नंबर है एंड ये सीरियस है, पहला वाला तो सीरियस ही नहीं था, उसे तो प्राइस देने के लिए ही बैठा है वो। तो इस एली के पास है 3 पोकेमोन, सबसे पहला है पिची, जिसका लेवल है 12 एंड ये पिची फीमेल है। तो पिकाचू ब्रो हरा इसे थंडर शॉक से। तो पिची एक ही थंडर शॉक से फेंटेड हो गया, इसका 12 लेवल का पिची। एंड नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं, भाई पिकाचू को एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल रहा है। तो नेक्स्ट पोकेमोन है ऑडिश, इसके ऊपर मुझे क्विक अटैक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थंडर शॉक
अटैक डैमेज नहीं देगा, इलेक्ट्रिक टाइप अटैक डैमेज नहीं देगा ज़्यादा, तो भाई क्विक अटैक भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ मेगा पंच, मेगा किक। भाई मिस मत होना मेगा किक, क्योंकि मेगा किक का एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। तो मेगा किक भाई ऑडिश को लगा मेगा किक एंड ऑडिश हो गए फेंडेड। ओके तो पिकाचू को मिला एक्सपीरियंस 199, ठीक है। एली अब बेल स्पॉट को यूज़ करने वाली है, इसके ऊपर भी मुझे मेगा किक ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रिक टाइप अटैक काम नहीं करेंगे इस ग्रास टाइप पोकेमोन के ऊपर। तो ब्रो बेल स्पॉट भी गया एंड मैंने सेकंड ट्रेनर को भी हरा दिया और तीन बचा है ट्रेनर। उसके बाद मुझे एक प्राइज मिलेगा, एली तुम्हें तो डिफीट कर दिया मैंने, हाउ कुड आई लूज। मुझे क्या पता तुम शायद वीक ट्रेनर हो इसीलिए। ओके आई डिड माई बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट। भाई सेम डायलॉग बोल रहे हैं ये लोग एनपीसी की तरह। हे नंबर थ्री आई वॉन्ट बी ईजी, तो ये नंबर थ्री है एंड ये इसे हराना ईजी नहीं होगा, इसने खुद बोला है। तो ये है टिमी जिसके पास दो पोकेमोन है एंड इसके पास है सैंडस्टू जिसका लेवल है 14। भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, पिकाचू को इसे हराने में शायद स्ट्रगल करना पड़े, आई डोंट नो ब्रो। ओके तो दो मेगा किक यूज़ करना पड़ेगा तब जाके शायद ये सैंडस्टू फेंडेड होगा। भाई मेगा किक अटैक फेंडेड मत होना, फेंडेड नहीं भाई मिस मत होना, भाई मिस हो गया क्यों यार। तो एक और ट्राई करता हूँ मैं मेगा किक यूज़ करने का और एक ही पीपी बचा है मेगा किक का, ये मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ भाई मिस नहीं हुआ। ओके भाई लेकिन ये बच गया, थोड़ा सा एचपी बच चुका है इसका। तो क्विक अटैक यूज़ करता हूँ मैं, क्विक अटैक शायद काम कर सकता है इसके ऊपर। भाई दो क्विक अटैक यूज़ करना पड़ेगा, अभी इसने अब सैंड अटैक यूज़ कर लिया, एक्यूरेसी से फेल हो गया, अब लगेगा नहीं कि क्विक अटैक। ओ लग गया, मुझे लगा लगेगा नहीं, लेकिन ठीक है भाई। ओके फेंडेड तो हुआ ये, पिकाचू गेन 279 एक्सपीरियंस एंड पिकाचू ग्रो टू लेवल 18, अपना पिकाचू अब 18 का हो गया, ठीक है ब्रो। तो अब नेक्स्ट पोकेमोन है टिमी का एकेंस, तो कम ऑन यार तुझे हराना होगा। ओके तो एकेंस के ऊपर थंडर शॉक काम करेगा, ये क्या है इंटीमेटेड। तो यूज़ करता हूँ मैं थंडर शॉक एंड एकेंस को डैमेज कितना मिलता है देखता हूँ ब्रो। ओके मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही कम मिल रहा है डैमेज, क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा है भाई। बोरो स्टैंटिक पैरालाइज कर दिया है भाई एकेंस को, लेकिन एकेंस ने भी वार्प यूज़ करके हर्ट कर रहा है भाई। तो पिकाचू यूज़ कर थंडर शॉक एक और एंड एक और यूज़ करना पड़ेगा तब जाके एकेंस फेंडेड होगा ब्रो। इस बंदे ने सही बोला था इसे हराना ईजी नहीं होगा, तो एक और थंडर शॉक एंड इसे हराना ईजी तो नहीं था, मैं बोलूँगा इतना भी हार्ड था ये नहीं बोलूँगा, तो ईजी तो नहीं था लेकिन मैंने हरा दिया इसे, पिकाचू ने हराया इसे। 186 एक्सपीरियंस मिला एंड टिमी को कर दिया है मैंने, हरा दिया है मैंने, फेंडेड बोलने वाला था मैं लेकिन उसके पोकेमोन को फेंडेड किया। ओ स्टम्पेड फ्लैट या ब्रो अब तू क्या बोलेगा, सेम डायलॉग, आई डिड माई बेस्ट आई हैव नो रिग्रेट, सेम डायलॉग ब्रदर एम पी सीज। तो मैं पोशन यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि पिकाचू का आधे से भी ज़्यादा लेवल एच पी कम हो चुका है, इसलिए एक पोशन दिया उसको एंड 20 एच पी रिस्टोर हो गया। अब दो ट्रेनर बचा है, आई एम नंबर फोर गेटिंग टायर्ड, नहीं मैं टायर्ड तो नहीं हो रहा हूँ, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ उल्टा। तो रेली के पास दो पोकेमोन है, फर्स्ट है निडोरैन जिसका लेवल है 16। तो पिकाचू देखते हैं भाई पिकाचू का थंडर शॉक निडोरैन के ऊपर कितना डैमेज देता है, ये मेल वाला है तो ब्रो लेयर यूज़ किया इतना भी डैमेज नहीं दे रहा। वैसे निडोरैन तो एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है ना ब्रो, पिक यूज़ किया पिक डैमेज नहीं दिया, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव ऑन पिकाचू। तो पिकाचू यूज़ कर थंडर शॉक एंड ब्रो निडोरैन गया, मेल निडोरैन गया 16 लेवल का था, 205 एक्सपीरियंस मिला एंड रेली अब यूज़ करने वाली है वापस से निडोरैन, लेकिन ये फीमेल है जिसके पास दो निडोरैन है मेल एंड फीमेल। तो पिकाचू यूज़ इट थंडर शॉक, भाई डबल किक क्यों यूज़ किया भाई, डैमेज देखो भाई एक और किक यूज़ करेगा।
मुझे लगा कि पीकाचू गया, लेकिन नहीं भाई, बच गया पीकाचू। तो सुपर पोशन यूज़ कर लेता हूँ मैं पीकाचू के ऊपर, क्योंकि अगर एक और अटैक लग गया, पावरफुल अटैक, तो पीकाचू हो सकता है फेंडेड, एंड मैं नहीं चाहता कि पीकाचू फेंडेड हो, इसीलिए मैंने पोशन यूज़ कर लिया। तो क्विक अटैक देखता हूँ भाई, क्विक अटैक कितना डैमेज देता है। भाई क्विक अटैक भी ठीक ही डैमेज दे रहा है। तो निडोरान ने यूज़ किया ग्रोल, अटैक फेल कर रहा है पीकाचू का, लेकिन कोई बात नहीं, इसको फेल करने दो भाई, लेकिन मैं इसे हराऊंगा, ज़रूर हराऊंगा। एक और थंडर शॉक यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये फेंडेड हो सकता है। तो प्रो निडोरान तो गया 16 लेवल का, दोनों ही निडोरान को हरा दिया मैंने रैली की। तो 201 एक्सपीरियंस मिला पीकाचू को, इतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला। आई लॉस्ट टू, या मुझसे कोई नहीं जीत सकता, बिकॉज आई एम अनबीटेबल, आई डिड माई बेस्ट, सो आई हैव नो रिग्रेट। भाई सेम डायलॉग NPCs, ये कौन है भाई? ओके आई एम नंबर 5, तो ये नंबर 5 है। आई विल स्टम्प यू, तू मुझे स्टम्प करेगा, ट्राई मी बिच, ट्राई मी। तो इसका नाम है ईथन कैंपर, तो ये एक कैंपर है, इसका नेम है ईथन। ईथन के पास है मैंकी, जिसका लेवल 18 है, एंड अपने पीकाचू का भी लेवल 18 ही है। तो पीकाचू यूज़ थंडर शॉक, देखते भाई डैमेज ज़्यादा नहीं मिल रहा है। फ्यूरी स्वैप यूज़ कर रहा है ये भाई, कितने बार यूज़ करेगा फ्यूरी स्वैप? 2 बार हिट हुआ, मुझे लगता है मुझे चेंज कर लेना चाहिए पोकेमोन, क्योंकि मुझे हारना नहीं है इससे। तो एम्बर यूज़ कर भाई, 4 मिलियन, भाई 4 मिलियन का एम्बर अटैक देगा मैंकी के ऊपर, कितना डैमेज दिया। ओके तो इसने मुझे मेरे ऊपर फ्यूरी पीकाचू के ऊपर फ्यूरी स्वैप यूज़ किया था, तो 4 मिलियन यूज़ ले बदला लेगा पीकाचू का स्क्रैच यूज़ करके, एंड मैंकी हो गया फेंटेड पीकाचू को, एंड 4 मिलियन को 142 एक्सपीरियंस मिला दोनों को, एंड ईथन को भी हरा दिया हमने। तो 5 ट्रेनर को हरा दिया, अब मुझे प्राइज मिलने वाला है। ओह टू मच हो गया ब्रो, इतना भी मच नहीं था। आई डिड माई बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट। मत कर भाई, इसने मैंने इस बात को इसने सीरियसली ले लिया, ज़्यादा ही सीरियसली, रिग्रेट करने वाला बात। ओके तो ये शायद मुझे देने वाला है प्राइज। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बीट आवर 5 कॉन्टेस्टेंट ट्रेनर, या बीट तो कर दिया, मुझे प्राइज दो। यू जस्ट अर्न ए फेवरेबल प्राइज, क्या ब्रो? मुझे एक नगेट मिला, एंड नगेट को मैं बेच सकता हूँ पोकेमोन सेंटर में नहीं, पोकेमोन मार्ट में। बाय द वे, हाउ विल यू लाइक टू ज्वाइन टीम रॉकेट? भाई ये मुझे ऑफर कर रहा है टीम रॉकेट को ज्वाइन करने का, लेकिन मैं नहीं करने वाला। वी आर ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल स्पेशलाइजिंग इन पोकेमोन, वांट टू ज्वाइन? आर यू श्योर? यस, मुझे नहीं करना ज्वाइन, कम ऑन ज्वाइन अस। नहीं, आई एम टेलिंग यू टू ज्वाइन, तू बोल लेगा और मैं ज्वाइन कर लूँगा। ओके यू नीड कन्फेसिंग, नहीं मुझे कन्फेस मत कर ब्रो, आई डोंट लाइक टीम रॉकेट। आई विल मेक यू ए ऑफर यू कैन रिफ्यूज, भाई क्या बोल रहा है तू? एक ऑफर बनाएगा और मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एक टीम रॉकेट का मेंबर है, एंड इसके पास है एकेंस, एंड ये मुझे ज्वाइन करने बोल रहा है टीम रॉकेट को, तो इसको तो मुझे हराना ही होगा ब्रो, हरा के इसको प्रूव करना होगा कि टीम रॉकेट के मेंबर इतने भी पावरफुल नहीं है ब्रो, मैं उनको छूने नहीं वाला टीम रॉकेट के सारे मेंबरों को, मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन को। तो पीकाचू यूज़ कर थंडर शॉक, एंड इस एकन्स को जल्दी से फेंडेड कर ब्रो। बाइट यूज़ किया ब्रो, एकन्स ने बाइट यूज़ किया पीकाचू के ऊपर, लेकिन पीकाचू ने ही इसे पैरालाइज कर दिया। तो एकन्स तो गया ब्रो, 2-3 थंडर शॉक यूज़ करना पड़ा इसके एकन्स के ऊपर, तब जाके ये बंदा इस बंदे का एकेंस फेंडेड हुआ। तो अब ये टीम रॉकेट का मेंबर यूज़ करने वाला है जूबैट, जिसका लेवल है 15। तो थंडर शॉक देखते हैं भाई जूबैट के ऊपर डैमेज कितना देता है ब्रो। थोड़ा सा HP बचा है, बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। एटोनिस यूज़ कर रहा है भाई एटोनिस, तो मैं यूज़ करूँगा क्विक टैग, एंड जूबैट को कर दिया फेंडेड पीकाचू ने। एक्सपीरियंस मिला 172, एंड पीकाचू ग्रो टू लेवल 19, अपना पीकाचू 19 का हो गया ब्रो। टीम रॉकेट के मेंबर को हरा दिया, यू आर गुड। पता है मुझे, बताने की ज़रूरत नहीं है तुझे ब्रो। विथ योर एबिलिटी यू विल बिकम ए टॉप लीडर इन टीम रॉकेट, मुझे पता है, मैं वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, कम ऑन।
थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी ब्रो, डोंट लेट दिस चांस गो टू वेस्ट, नहीं करना है ब्रो, ठीक है भाई। ये मुझे कन्फ्रेंस कर रहा था कि टीम रॉकेट को ज्वाइन करो, लेकिन मैंने साफ साफ बोल दिया भाई मैं नहीं करने वाला टीम रॉकेट को ज्वाइन। इधर एक कैंपर है, आई शॉ योर फीट फ्रॉम द ग्रास, हाँ मैं इस ग्रास में आने वाला था, क्यों क्या हुआ? अच्छा तो ये मुझे ग्रास में आने नहीं देगा, तो इसको पनिश करने का टाइम आ चुका है। शैन तेरे बाप का है वो ग्रास, तू जो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, तो इसको अपना 4 मिलियन तोड़ेगा ब्रो। इसके पास है रैडेटा 14 लेवल का, एम्बर यूज़ कर भाई, एक एम्बर के सामने टिक नहीं पाएगा तेरा रैडेटा। मुझे लगा था कि एक ही एम्बर अटैक से ये रैडेटा फेंडेड हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ब्रो, तो एक और एम्बर यूज़ करते हैं एंड रैडेटा हो गया फेंडेड। नेक्स्ट पोकेमोन, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मिला 85 करके। नेक्स्ट पोकेमोन है एक एंस, तुम्हें स्नेक जला हुआ स्नेक देखना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, ये देखो ब्रो एम्बर। नहीं हुआ भाई, मुझे लगा कि एक अटैक से फेंडेड हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, उल्टा ये एकेंस के पॉइजन स्टिंग से अपना 4 मिलियन पॉइजनस हो गया ब्रो, कम ऑन यार, कम ऑन 4 मिलियन। तो भाई इसके दोनों पोकेमोन को तो हरा दिया मैंने, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला शैन का, अब क्या बोलना है शैन, आई थॉट नॉट, ओके अपना वोट को वो वापस ले रहा है, ठीक है भाई। I had because the people on the bridge threatened me, भाई ये तो डरपोक है एंड coward भी, एंड मुझे बोल रहा है कि ग्रास से अपना फीट दूर रख। भाई इधर एक ऑडिश है, कैच करूँ क्या ऑडिश को? भाई हारना नहीं है, इस ऑडिश से हारना नहीं है तुझे, पिज्जी यूज़ करता हूँ मैं। क्विक अटैक, भाई क्विक अटैक डैमेज नहीं दे रहा, गस्ट ब्रो हरा ही दिया इसने, रहने दो, मैं बाद में ऑडिश को कैच करूँगा जब बिल के पास से आऊँगा तब। तो ब्रो अभी तो 20 मिनट होने वाला है, तो एक काम करता हूँ मैं पास वाले सुरेलियन सिटी के पोकेमोन सेंटर जाके हील करके आता हूँ, वैसे पास में ही है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके जाता हूँ मैं एंड हील करके वापस चलता हूँ जहाँ से मैं सारे ट्रेनर को हरा के रखा था, लास्ट ट्रेनर से रूट 24 के ब्रिज से। यस ब्रो इधर एक पोकीबॉल पर आया, ये क्या है भाई, कौन सा आइटम है मुझे देखना है। तो ये है TM-45 जिसका अट्रैक है, ये TM है अट्रैक्ट, सिखाऊं क्या किसी को, ट्राई करता हूँ, कौन सीख सकता है ब्रो, सारे ही सीख सकते हैं, तो पिज्जी का अटैक देखता हूँ मैं। क्विक अटैक भाई थीफ 14 का है, सैंड आई गेस रहने देता हूँ मैं, किसी दूसरे पोकेमोन को सिखाऊंगा। तो अभी अपने पिज्जी का लेवल अटैक तो सारे ठीक ही है भाई, तो ब्रो आगे बढ़ते हैं, चलो बिल के पास चलते हैं। वैसे मैंने सारे पोकेमोन को तो हील करके रखा है, ये रूट 25 है, इधर बहुत सारे ट्रेनर दिख रहे हैं मुझे एंड मुझे लगता है इधर अपना पोकेमोन्स का लेवल बहुत लेवल अप होने वाला है। आई जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम माउंटेन मून बट आई हैव स्टिल गोज गैस इन द टैंक, गॉट गैस इन द टैंक, भाई ये माउंटेन मून से अभी निकला है एंड मुझसे बैटल करना चाहता है। तो ये है एक हाइकर जिसके फ्रैंकलिन के पास है मैचअप जिसका लेवल 15 है, भाई पिकाचू तुझे इसे हराना होगा। तो थंडर शॉक यूज़ करता हूँ मैं मैचअप के ऊपर, भाई डैमेज तो दे रहा है ठीक है, तो लेयर यूज़ किया मैचअप ने, भाई लेयर से अपना पिकाचू का डिफेंस फेल हुआ, कोई बात नहीं, एक और पिकाचू यूज़ कर थंडर शॉक एंड मैचअप हो गया फेंडेड, दो पिकाचू के दो थंडर शॉक से एंड 282 एक्सपीरियंस मिला। अब हाइकर यूज़ करने वाला है नेक्स्ट पोकेमोन इसका जियोडूड, आई गेस जियोडूड को लिए बेस्ट अपोनेंट है अपना 4 मिलियन। मड स्पॉट यूज़ कर रहा है जियोडूड, इससे क्या होगा मुझे देखना है, डैमेज मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर
बेकार हो जाएगा, इलेक्ट्रिक अटैक बेकार हो गया मड स्पॉट अटैक से। लेकिन अपना चार्मेलियन इलेक्ट्रिक टैग नहीं है, वो तो फायर टाइप है, तो मेटल क्लॉ यूज़ करता हूँ मैं जियोडूट के ऊपर। मेटल क्लॉ एक स्टील टाइप अटैक है तो जियोडूट के ऊपर तो इफेक्ट करेगा ही। एक और यूज़ करता हूँ मेटल क्लॉ, दो यूज़ करना पड़ेगा उसके बाद ही शायद फेंडेड होगा। ब्रो थोड़ा सा बच गया इसका एचपी। रॉक थ्रो भाई, ये रॉक थ्रो, इसका जियोडूट रॉक थ्रो अटैक जानता है। तो एक और मेटल क्लॉ एंड जियोडूट हो गया फेंटेड। ब्रो नाइस एक्सपीरियंस 138 दोनों पोकेमोन को मिला एंड फ्रैंकलिन को हरा दिया हमने। यू वर्क इट हार्ड, हार्ड करना पड़ा क्योंकि मेरे पास सारे डिसएडवांटेज वाले पोकेमोन थे। तुम्हारे पोकेमोन तो अच्छे थे भाई, ग्राउंड टाइप एंड रॉक टाइप। ड्रैट ए जूबैट बाइट मी बैक इन द केव, इसको जूबैट ने काट लिया था केव में माउंटेन मून के। तो ब्रो इधर कैटे भी मिल रहा है भाई, मैं अभी किसी पोकेमोन को कैच नहीं पकड़ने वाला। तो अभी 20 मिनट हो गया है तो इधर मैं सेव करने वाला हूँ वीडियो को, गेम को, वीडियो को नहीं। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे बिल के पास, तो सायोनारा।